अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चली गई है आजकल, ये अपना कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर रही। बेसिकली टाइम बहुत कम रह गया है और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि फिर मुझे वापस पाकिस्तान भी लैंड करना है और अभी मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रहते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना ही लिया जाए। बेसिकली ये व्लॉग जो है ये मैंने अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि आपके भी बहुत ज़्यादा रिश्तेदार होंगे जो कि आपको बहुत डिग्रेड करते होंगे कि ये तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसके पास इतनी स्किल्स नहीं है, इसके पास इतना नॉलेज नहीं है, व्हाटएवर। सो बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ था कि मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो डिग्री करी है इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है। लेकिन आज मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ अपने व्लॉग के थ्रू कि जिस जगह पे मैं पहुँच गई हूँ आप भी मेहनत करके इस जगह पे पहुँच सकते हैं, बिकॉज हर इंसान की अपनी लक होती है। और मैं व्लॉग बनाते बनाते साथ अपने रिश्तेदारों के बारे में भी बातें कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँ यहाँ की जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कार्स देखी हैं, या आपको सामने भी एक नज़र आती होगी, ये भी स्पोर्ट्स कार है। और दिल मेरा भी बहुत करता है कि मैं भी कोई ना कोई न्यू स्पोर्ट्स कार लूँ, और मैंने अपने ड्राइवर को कहा है कि इसको चेज़ करते रहो। और ये जी हम इसके पास से गुजरे, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और फिर हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों की बातें लेके बैठ गई थी। जी हम जा रहे हैं ब्रिशिया। ब्रिशिया जो है ये सिटी है और ये टोरंटो के तकरीबन करीब करीब ही है। लेकिन आज हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं। हमने कहा शॉपिंग तो भाई हम कर नहीं सकते, और ये हमारे ड्राइवर भाई जो कि बिल्कुल ही बहुत ही खड़ूस थे, इनको हमारी समझ नहीं आ रही थी, हमें इनकी समझ नहीं आती। और ये है जी यहाँ का मॉल, ब्रिशिया का इकिया मॉल है, और जैसे कि हमारे लाहौर में मॉल हैं। और ये देखें जी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कूटी, स्पोर्ट्स कार वगैरह, डिफरेंट किस्म की कार्स नज़र आ रही होती। काश मेरे पास भी एक शोरूम होता और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती। सो गाइस, ये है जी इकिया मॉल, और ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तान का जो लाहौर के एम्पोरियम है, पैकेजेस है, फोर्ट्रेस है, वो सारे मिलाएँ तो ये एक मॉल बनता है। ये इतना बड़ा मॉल है। सो हम ये मॉल के अंदर एंटर हो गए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी। एक्चुअल में हमने आज विंडो शॉपिंग करनी है। हाँ, अगर कुछ रेंज में आ गया तो हम वो ले भी लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम विंडो शॉपिंग ही करेंगे। सो यहाँ पे हम एक्सीलेटर पे चढ़े और देखते हैं जी ऊपर जाके, क्योंकि नीचे सारी जो हैं वो शॉप्स ज़्यादातर स्कूटीज़ वगैरह की, गाड़ियों वगैरह की हैं। ऊपर इन्होंने खाने पीने का सिस्टम रखा हुआ है, और फिर उससे ऊपर जो है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो शॉपिंग के एरियाज़ हैं वो रखे हुए हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादातर हलाल फूड अवेलेबल नहीं होता, तो हम देख रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये देखें जी न्यू गाड़ी उन्होंने लगाई हुई थी प्रमोशन पे, और ये अब हम आ गए हैं शॉपिंग वाले साइट पे। और ये जी देखते जाएं, अब हम सिर्फ देखेंगे भाई, विंडो शॉपिंग करेंगे कि यहाँ के मॉल्स में और पाकिस्तानी जो मॉल हैं उनमें कितना फ़र्क है। फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें रुपीज़ में पेमेंट करनी पड़ती है पाकिस्तान में, और वहाँ पे यानी कि यूरोप में हमें, जिस जगह मैं हूँ वहाँ पे मुझे यूरो में पेमेंट करनी पड़ती है, और यूरो भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसलिए हम सिर्फ चीज़ें देखेंगे। ये सारी एंटीक की चीज़ें और बहुत ही प्यारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन महंगी बहुत हैं भाई। ये देखो, ये कौन लोग खरीद सकते हैं, ये वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हम जैसे लोग गरीब नहीं खरीद सकते। सो यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको नॉर्मली दिखाती जाऊंगी कि अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं ले लूँगी, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं भाई। 10-10 यूरो की, 20-20 यूरो की, 90 यूरो की आपको सिर्फ टी शर्ट्स मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी आउट ऑफ रेंज है भाई। इसमें थोड़े से पैसे और डाल के तो मैं वापसी की टिकट ना करवा लूँ। सो ये देखें जी, ये जीन्स वगैरह है। हाँ, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, ज़ाहिर बात है ब्रांडेड होती है, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जब हम इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती है। सो अपने यहाँ पे अपने व्लॉग में ये भी बोलना चाहूँगी, रिश्तेदारों देख लो, सड़ लो सड़ लो, ऐ ओही यहाँ सी जेड़े कहते सो तुसी कि ए तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन वेख लो असी तरक्की कर ली जे, असी इटली पहुँच आए जे। ये देखें जी सारी चीज़ें, और ये बच्चा, ओहो अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों के बच्चे,
सही, बिल्कुल फन मूड में जा रहे होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पे हमारे बच्चे रो रहे होते हैं पीछे पीछे माओ के कि हमें उठा के चलो, वो बच्चे खुद बहुत ही खेल रहे होते हैं, उनको कोई इतनी टेंशन नहीं होती। और ये सारा माहौल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई बेचारा पाकिस्तानी है हमारी तरह का ही, लेना लूना उसने भी कुछ नहीं है, बस वैसे घूमने आया हुआ है। और ये देखें जी कितना मज़े का व्यू लग रहा है, कसम से काश इतने ज़्यादा पैसे होते। चाओ, चाओ का मतलब होता है हेलो। वहाँ से अब हम लोग निकले और फिर से दोबारा मेरी गाड़ियों पे नज़र पहुँच गई। और ये देखें जी एक से बढ़ के एक गाड़ी, फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नवाब रेस्टोरेंट है पाकिस्तान का, और यहाँ पे सारा पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है हलाल फूड मिलता है। और ये जी बिरयानी लग रहा था, बहुत ही मज़े की बिरयानी है, लेकिन ठीक थी, मतलब हम इसको रेंज 7/10 देंगे। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से निकले बिकॉज शाम होने वाली थी, सारा दिन हमने ऐसे गुजार दिया। और फिर वापस जैसे ही हम लोग निकले तो ये देखें कितना मज़े का व्यू लग रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बंदी कहाँ कहाँ घूम रही है, भाई आप लोग भी घूम सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी अपने आप के अंदर हिम्मत पैदा करो सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, आपके रिश्तेदार आपको जितना मर्ज़ी टॉन्ट करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस चलते जाना है और अपनी जो कामयाबी है उसको हासिल करते जाना है। जैसे कि ये देखें ये जो दरख्त हैं, ये छोटे थे फिर बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, आज ये पूरी छांव दे रहे हैं। और ये जो हमारा ड्राइवर भाई है, क्योंकि ये इटालियन है, इसको एज सच इंग्लिश की या उर्दू की समझ नहीं आती, इनको सिर्फ इटालियन ही आती है, तो हमें भी कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि हम इनके साथ बोल लेते हैं, तो अभी हम उनसे गपशप नहीं कर सकते। तो जी ये देखिए मज़ा आ रहा है आपको भी, और हम तो बेसिकली इनके सॉन्ग भी नहीं सुन सकते, ना वो हमारे वाले सुन सकते हैं, ना हम उन वाले सुन सकते हैं। भाई ये देखो अब हम वापस अपने सिटी तरंतो की तरफ जा रहे हैं, और आपको पहाड़ियों से तो समझ आ ही गई होगी कि मैं वापस सिटी में आ रही हूँ अपने टोरंटो में, ताकि हम लोग अपने के बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके रिश्तेदारों ने भी आपको डिग्रेड करने की कोशिश की या नहीं की। और अपने रिश्तेदारों को बोल के मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखें जी कितना मज़े का व्यू है, आप भी सोच रहे होंगे काश आप भी आएँ। ये किसी की गाड़ी जो थी वो उन्होंने गलत जगह पार्क की थी, तो वो उठा के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें जी वाह मज़ेदार, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। बिरयानी तो ज़रा अच्छी नहीं थी, यानी कि ठीक थी, अच्छी मज़े की नहीं थी, लेकिन उनकी जो जो उनका सर्व करने का तरीका वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ें देख के आपको भूख नहीं लग सकती, मेरा नहीं ख्याल। और ये अब हम झील के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये झील है, झील के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये यहाँ से एंट्री हो रही है तकरीबन हमारे जो सिटी जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ वहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। और देखें जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो बेसिकली सारा मैंने आपको व्यूज़ ही दिखाए हैं, और लिया लुआ हमने कुछ भी नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं की, बस घूम फिर के वापस आ गए, बिरयानी खाई और वापस आ गए। और फिर भाई ने कहा भाई क्यों ना पेट्रोल डलवा लिया जाए, और क्योंकि पेट्रोल बहुत कम था इनके पास। और यहाँ पे अब हम वेट करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। आप ये इनका टूल प्लाजा है, और इनके टूल प्लाजा के भी हज़ार काम है जी भाई, वो करने के बाद फिर हमने पेट्रोल वगैरह डलवाना था, वो डलवा के फिर हम लोगों ने वापस अपनी मंजिल पे पहुंच जाना था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिश्तेदारों के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रिश्तेदार भी क्या आपके साथ ऐसा करते हैं या नहीं करते। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं अपने रोज़ से रोज़ अपने जो नए व्लॉग हैं अपलोड करती रहूँ, और आपको जिन लोगों ने इटली नहीं देखा वो मेरी वीडियोस देख के इटली को एक्सप्लोर कर सकें, इटली को देख सकें। सो यहाँ से अब हम